इसका इग्निशन ऑन है, ठीक है, फिर भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बट इसको जैसे ही मैं सर पे पहन रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैमरा पे, फिर से लाइए, मैंने टच नहीं किया है, इग्निशन आप देख सकते हैं ऑन हो गया है। और जैसे इसको मैं लॉक करके, इसमें टोन बज रही थी, टोन बंद हो गई है, उसके बाद गाड़ी हम लोग। सो वंस अगेन वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और अभी हम करेंटली यहाँ पे आए हैं एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीटा गोरखपुर करके, एक यहाँ पे इंजीनियरिंग संस्थान है, उसमें मुझे पता चला कि साइंस एग्जीबिशन है, तो वहाँ पे मैं आया हूँ एग्जीबिशन को देखने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जीबिशन में कौन कौन से चीज़ें लगाई गई हैं। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे कि बच्चों की अच्छी खासी भीड़ है, और सारे आईटीएम के बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए हुए हैं, कोई पोस्टर बनाया हुआ है, कोई मॉडल बनाया हुआ है, कोई पीपीटी बनाया हुआ है, सारी चीज़ों को देखते हैं। फटाफट आगे आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स है। अप्रॉक्स सुनने में आया है कि 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक बार इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। सिक्योरिटी सिस्टम पे बना दिया, छोटा मोटा सर हमारे पास फैट बर्न कैंडी है सर, जो हमारी फैट को बॉडी फैट बर्न करती है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स ग्रीन टी है, हमारी जैगरी है। सबसे पहले हमें ग्रीन टी बनानी होगी और उसमें जैगरी को मेल्ट करना पड़ेगा। जैगरी मेल्ट करने के बाद हमारे पास फेनल सीड्स होनी चाहिए, ब्लैक पेपर होनी चाहिए, ग्रीन कार्डमम होनी चाहिए, जिसका हम पाउडर बनाएंगे और मेल्ट जैगरी में हम उसे डाल देंगे। और उसे उतारने के 5 मिनट पहले हम उसे मिक्स करेंगे अच्छे से और उसे उतार लेंगे। और जब वो हाथ से टच करने लायक हो जाए, उसे हम छोटी बॉल्स बना लेंगे और शुगर पाउडर और रॉक सॉल्ट से हम उसे कोट कर देंगे और उसे हम एयर टाइट करने में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके आपने बनाया है। अच्छा, ब्लैक पेपर, ठीक है ठीक है। और यही बनाया है, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं है। ओल्ड एज और चाइल्ड स्टूडेंट भी इसको खा सकते हैं, छोटे बच्चे सारी एज ग्रुप के। अच्छा, अगर आपको ज्यादा देर जगना है तो आप ले सकते हैं, आपको ज्यादा देर जगने में क्या नहीं रहे हो, मतलब एज ए नींद की गोली भी काम करेगा, कोई में इसका लॉस नहीं है। डाइजेशन भी अच्छा होता है, डाइजेशन सॉफ्ट है, इलायची है, माउथ फ्रेशनर के लिए भी अच्छी है, कब्ज के लिए स्मार्ट हेलमेट है, जबकि स्मार्ट है वो हेलमेट को वियर नहीं करेंगे, पटक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर यहाँ स्टार्ट नहीं हो रहा बाइक, पावर ऑन है, यहाँ पे लॉक, जब तक हेलमेट को वियर नहीं करेंगे बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अब बाइक निकालेंगे, बाइक बंद करेंगे। ये क्या है, सेंसर है? ये सेंसर ट्रांसमीटर है सर, ये रिसीवर है। अच्छा, मतलब अगर हेलमेट को अगर हम लगा लेंगे और लॉक कर लेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये सर ये सायरन बज रहा है यहाँ पे, जब तक इसको लॉक नहीं करेंगे ये ऐसे बजता रहेगा, इसको आपको लॉक करना जरूरी है ये भी। अच्छा, यस सर। तीसरा मतलब इग्निशन ऑन रहेगा बट गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। अच्छा, और इसमें ये है सर, ये लाइट का, आप जो हेलमेट वेयर करेंगे यहाँ पे लाइट जलेगा, रात में और तेज चलता है। अच्छा अच्छा, मान लीजिए ठंडी के दिनों में चल रहे हैं, आगे जब चल रहे फॉग है पीछे गाड़ियाँ, तो क्या ये जो लाइट जल रही है ये ब्रेक से है कनेक्ट? नहीं सर, आप हेलमेट जब वेयर करेंगे तो वो सिग्नल देगा। अच्छा 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 अच्छा, और ये अगर हेलमेट मान लो ये वाला मेरा हेलमेट गायब हो जाता है, दूसरे हेलमेट से इनबिल्ट करा के ले सकते हैं, मतलब इसी कनेक्टिविटी बाइक से नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास है ये हेलमेट, जो कि अभी इसको मैंने वियर नहीं किया है, ये गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट नहीं हो रही है, जबकि इसका इग्निशन ऑन है। कैमरा लाइव भाई, इसका इग्निशन ऑन है, ठीक है, फिर भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बट इसको जैसे ही मैं सर पे पहन रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैमरा पे, फिर से लाइए, मैंने टच नहीं किया है, इग्निशन आप देख सकते हैं ऑन हो गया है। और जैसे इसको मैं लॉक करके, इसमें टोन बज रही थी, टोन बंद हो गई है, उसके बाद गाड़ी हम लोग चेक करते हैं।
अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, टिकट लेटर मैं ले रहा हूँ, अभी ये देखिए मैं निकाल दिया हूँ, और हेलमेट निकालते ही एक्सलेटर लेने की कोशिश किया और फिर भी गाड़ी बंद हो गई। तो ये हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं मैकेनिकल के, एआई के और डाटा साइंस के तीन ब्रांचों के, सीसी इलेक्ट्रॉनिक्स के तीन बच्चों ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट बनाया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप लोग इसको लाइक करना, बाकी सारी चीज़ें आपको बताएंगे ये। एक बार मैं इनका इंट्रोडक्शन दिला देता हूँ, नाम बता दो। मेरा नाम उत्कर्ष कुमार दुबे है, बीटेक सेकेंड ईयर से एसी ब्रांच, और ये ऐसा स्मार्ट हेलमेट है जब तक हम इसको वेयर नहीं करेंगे तब तक हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इसमें क्या लगाया हमने लगाया, इसमें एलडीआर सेंसर का यूज़ किया है, ट्रांसमीटर का यूज़ किया है, और हमारे पावर लॉक से रिसीवर कनेक्ट है। तो जब हम हेलमेट को वेयर करेंगे तब हमारा यहाँ माइक्रो स्विच यहाँ पर लगाया है, तो माइक्रो स्विच हमारे हेड से प्रेस होगा, जैसे ही प्रेस होगा यहाँ से सिग्नल एलडीआर सेंसर और ट्रांसमीटर यहाँ से अपना सिग्नल यहाँ पर रिसीवर को देंगे, और रिसीवर हमारा जो कि पावर लॉक से कनेक्ट है तो वो रिसीव करेगा और हमारा पावर जनरेट करेगा, इस तरह ये वर्क करेगा। और यहाँ पे दो सिस्टम और है कि जब हम इसको वेयर करेंगे तब यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, और यहाँ पे एक ऐसा जैसे कार में सीट बेल्ट होता है, तो जब तक सीट बेल्ट हम लोग लगाते नहीं है तब तक ये सिग्नल बोलता रहता है, तब यहाँ पे ऐसा है कि जब हम लोग इसको मतलब बंद जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक ये अलार्म बजता रहता है। थैंक यू।